हेलो फैमिली, चलिए आज क्या बनाते हैं? नारियल का पाउडर। पहले मैंने नारियल को फोड़कर उसको छिलकों को छील ली हूँ। उसके बाद छीलने के बाद थोड़ा सा क्रश करके और धूपा में डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मिक्सी के जार में पीस कर देखिए, एकदम एक नंबर बिन धूल गर्दा का ये बन गया। इसको बस खाली कल धूपा में रख देंगे। उसके बाद आप कोई ढककर शीशे का जार में रख दीजिए और ये आपको तैयार हो गया बनके। देखिए इस तरह से एकदम पाउडर बनकर तैयार हो गया है। वाइट वाइट एकदम लग रहा है कि घर का बना हुआ है एकदम। एक भी इसमें कुछ नहीं है। इसको धूपा में सुखा दीजिए और इसका नारियल का तेल भी बन गया और नारियल का पाउडर भी बन गया। इस तरह से आज दोपहर में सुखा दिए हैं। इसको थोड़ा सा पानी में धो दीजिएगा ना, तो उस पानी में जो सब सारा तेल चला जाता है उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, ऊपर मलाई की तरह सारे जम जाते हैं। उसके बाद उसको गैस पर रखकर गरम करके निकाल लीजिए सारे तेल। जैसे घी पर कराते हैं ना, तो घी तो है कि पूरा लाल करते हैं ना, इसको वाइटिंग करके छोड़ना है। और इसको कल धूपा लगा देंगे। इसको आप लड्डू बना सकते हैं, चाहे घर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। दो नारियल का है इतना सारा। और इधर में बादाम डालूंगी, लड्डू बनाऊंगी बादाम वाला।